खबर पीलीभीत जनपद से। थाने के अंदर एसएचओ के सामने खुलेआम हुई गुंडागर्दी। वर्तमान चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन के गुट हुए आमने सामने। थाने के अंदर पुलिस के सामने भीड़ ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के सामने हुआ हंगामा पुलिस समझाने की प्रयास करती रही। हंगामे का वीडियो बना रहे पत्रकारों को पीटने की धमकी दबंगों ने दी। क्या अपने लोगों पे और क्या अपने लोगों पे और क्या अपने लोगों पे वीडियो बना के डाल दो भाई करके कम ना रह जाए कोई और अवार्ड अवार्ड मिल जाए आपके लिए जाए मरे तुम्हारे बहुत तरह खाक खाक कर जाओ वीडियो बना के खूब दे दियो बच्चा बढ़िया करके तुम लोग साथ देने अच्छी करके वीडियो दे दियो कोई कम ना रह जाए बाकी बढ़ जाए थाने में आए तो क्या हुआ मामला क्या है थाने में आए तो आपस में जो लोग बुटवारी कर रहे थे उस पर बातचीत हुई थी उस बात पे कहने लगे कि एक लड़का पिंटू गुप्ता है उसको पंकज जंगमार के मेडिकल में बैठा हुआ था तो उस रात पे कहीं सब लोग हाँ भीड़ भाड़ इकट्ठी हुई मारने के लिए उसको जब हमने कहा कि यहाँ थाने बुलाया गया थाने उन्होंने कहा बोले पंकज ने कहा तुम अंदर थोड़ा घुस के मारोगे उन्होंने कहा अंदर तो घुसा दूर नहीं पूरी फोर्स कम पड़ जाएगी थाने एसओ साहब के थाने के अंदर बैठे कहा उस बात पे अभी झड़प हुई हमने तो थाने ये कह रहे तुमको शर्म आनी चाहिए कि हमसे फोर्स कम पड़ जाए थाने के अंदर बैठ के उस बात का तुमको देख लूंगा जे कर दूंगा वो कर दूंगा कर दीजिए कितने लगभग लोग थे उनसे कम हो गए 25-40 लोग तो इसकी शिकायत किसी से की आपने अभी एसओ की एसओ सामने की बात ही इंस्पेक्टर सामने की बात तो क्या कहा ठीक है हम अपने अधिकारी को बताते हैं उसकी बात एक गुप्ता मेडिकल स्टोर संचालक है वैभव गुप्ता उसकी बहुत ही गलत गंदी वीडियो भी वायरल हो रही थी 3 दिन से तो मुझे तो उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी और अभी आज ही मुझे कुछ जानकारी मिली उस वीडियो को लेकर मेरे पे कमेंट किया जा रहा कि इस वीडियो से ताल्लुकात सैम मैरी जी का है और इनके लड़कों से है जिससे मेरे लिए बंधा हुआ है जबकि मुझे कोई मतलब नहीं था उसको लेके मेरे पास कई लोगों ने मुझे बताया देखा मैंने मुझे लगा वास्तव में बहुत गलत कमेंट करा मेरे लिए तो उसके लिए मैं तहरीर देने गया था थाने में और इसके साथ में मेरे साथ में एक तो हमारे प्रधान जी हैं नंबरा रस्तों के परमेश्वर अग्रवाल जी उन्होंने भी इसी में लपेटा गया कि उन्होंने भी साथ में है और उनके लोग ये काम कर रहे हैं तो जबकि मुझे पता नहीं तो उसको लेके मैं तहरीर देने गया था वैसा और इसमें बहुत ही आत्महत्या कमेंट करी गई थी तो उसी लेके हम लोग तहरीर देने गए और उसे पुलिस लेके आई जो मुंजिम था भाई साहब उसे लॉकर में ना बैठा के सामने बैठा हुआ था और इसके बाद बीच में पप्पन गुप्ता आ गए पूर्व प्रत्याशी नगर पंचायत के भाजपा प्रत्याशी थे उनसे क्या नाम कोई मतलब ही नहीं था वो हमसे आदरता से बात करने लगे इसी लेके थोड़ा बात की होगी और हमने अपनी तहरीर दे दी है बाकी पुलिस अपने हिसाब से जो भी कार्रवाई करेगी देखते कर रहे हैं। अच्छा मेडिकल पे कुछ लोग पहुंचे तो सुनने में आया है कि मेडिकल पे 20-25 लोग गए थे वहाँ पे किसकी मेडिकल में गए पंकज गंगवार के मेडिकल है कोई उस पे मेडिकल पे कुछ लोग गए थे वहाँ पे वहाँ वैसा मैं ना गया था ना मुझे वहाँ की जानकारी है कौन गया था वहाँ